नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे गुजराती, विषय हमारा गुजराती, कक्षा दो है। आज हम पाठ नंबर वन पढ़ रहे हैं, घर आवरण पशुओं, जो कहाँ पे होते हैं, हमारे घर के आसपास होते हैं, वो क्या है, ये पशु है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आसूच है ऊंट, घोड़ों बकरी, ये क्या है, ऊंट है, घोड़ा है, और ये क्या है, बकरी। बाद में यहाँ पे है आसूच है बिलाड़ी गधेड़ो कुत्रो, बिलाड़ी गधेड़ो कुत्रो, अने शू कहवाय, बिलाड़ी गधेड़ो कुत्रो, इसे हम बिल्ली बोलते हैं, इसे गधा बोलते हैं, और इसे कुत्ता बोलते हैं। ओके, फिर आगर छे गाय बड़द, हम इसे क्या बोलते हैं, गाय, और इसे बैल बोलते हैं। तो गुजराती में इसे बड़द गाय, गाय को गाय ही बोलते हैं। आगे बढ़ते देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, भैंस खेटू, भैंस खेटू, ये क्या है, भैंस है, और एक खेटू यानी क्या है, भेड़े, जिसे हम भेड़ बोलते हैं। आपको समझ में आया बच्चों, क्या है ये, घर आगरणा पशु, जो हमारे घर के आसपास होते हैं। तो देखो बच्चों, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ऊंट घोड़ो बकरी बिलाड़ी गधेड़ो कुत्रो गाय बड़द भैंस और खेटू, इस तरह से क्या है, हमारे घर आगरणा पशुओं छे। आगर जो ईसु अपने जंगलना प्राणियों, जंगलना प्राणियों, आसू छे दीपड़ो, यानी हम इसे चीता बोलते हैं, दीपड़ो, रीछ, यानी हम इसे भालू बोलते हैं, वांद्रो, यानी हम उसे बंदर बोलते हैं, दीपड़ो रीछ वांद्रो, आंसू छे वांद्रो, यानी आंसू रीछ दीपड़ो, इसे हम चीता बोलते हैं, भालू बोलते हैं, और बंदर बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं, वाघ जिराफ सिंह, इसे हम बाघ बोलते हैं, जिराफ, और इसे शेर बोलते हैं। तो ये क्या है, बाघ जिराफ सिंह, जेब्रा ससलू हरण, जेब्रा ससलू हरण, हाथी सियाण, हाथी सियाण, जो अपने केवी रीते वाँची शू, आ शू छे गुजराती में अपने जंगलना प्राणियों छे, दीपड़ो रीछ वांद्रो बाघ जिराफ सिंह झेब्रा हाथी ससलू हरिण शियाळ, एवी रीते तमारे वाँचवानुं रहेशे। आ शू छे हतुं, आ जंगलना प्राणिया। पछी जोईशुं घर आगळना पंखीओ, घर आगळना पंखीओ, जो आपणा घर आगळना पंखीओ छे, तमे देखाय छे ने आ पंखीओ, तमे जोजो खास तरी तमारा वृक्षों ऊपर आ पंखीओ देखा मळशे। जो आ शू छे, चकली पोपट कबूतर कागड़ो काबर कोयल मरघी, पछी शू छे, कुकड़ो अने मोर। देखो बच्चों, किस तरह से आपको पढ़ना है कि ये क्या है, घर के आसपास रहने वाले पंखी यानी पक्षी है। तो देखो बच्चों, ये क्या है, चकली यानी हम क्या बोलती इसे, गौरी यानी चिड़िया, फिर ये तोता कबूतर, ये कौवा, ये काबर यानी जो मैना होती है वो, फिर ये कोयल मरघी यानी मुर्गी, और ये क्या है, हम इसे क्या बोलते हैं, कुक्को, है ना, फिर है मोर। देखो बच्चों, इस तरह से आपको पढ़ना है घर आगरणा पक्षियों। पछी जो ये शू अपने वन वगाड़ा या पक्षियों, वन वगाड़ाना पक्षियों, वन वगाड़ में यानी जो वन में यानी जंगल में रहते हैं उस पक्षियों के नाम हम अब देखेंगे। गुवड़ गीत संबड़ी, गुवड़ गीत संबड़ी, पछी शू छे, हंस बाज बतख, बगलो देव चकली होलो तेतर, पछी शू छे, दरजीड़ो सुग्री शाहमुख लखड़कोट लखड़कोट, एवी रीते तमारे वाँचवानुं रहेशे। जो बाळको, आ शू छे, गुवड़ गीत संभळी,
हंस, बाज, बतख, बगलो, देवचकली, होलो, तेतर, पची शू थे, पची शू आवे छे, दरजीडो, सुगरी, शहामुख, पची लखटपोत। आपको समझ में आया ना बच्चों? हमने वन वगाड़ना पक्षियों, घर आगड़ना पक्षियों, जंगल मां प्राणियों, पची घर आगड़ना पशुओं, ये सब हमने देखा है। तो ये आपको क्या करना है, वीडियो देखते समय आपको सब याद रखना है, प्राणियों के नाम आपको याद रखने हैं। किस में था? गुजराती में। इसे क्या बोलते हैं प्राणियों को? तो आपको याद रखना होगा बच्चों। तो ये आपको आज का वीडियो जो पार्ट नंबर 1 है यहाँ पे पूरा हुआ। जय गायत्री।